बॉलीवुड के कमिश्नर साहब इफ्तखार खान, जिन्होंने अपनी बेटी के कारण घुट घुट कर आखिरी लम्हे बिताए। साल 1940 से 1990 तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इन्हें द रियल पुलिस ऑफ बॉलीवुड कहा गया, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के दमदार किरदार निभाए और उनमें जान फूंक दी। इसके अलावा इन्होंने पिता, अंकल, दादाजी, कोर्ट रूम जज और डॉक्टर के किरदार भी निभाए, जिनमें इन्हें काफी पसंद भी किया गया। एक्टर होने के साथ साथ ये एक पेंटर और सिंगर भी थे, लेकिन इनकी मौत बेहद ही दर्दनाक हुई थी। इफ्तखार ने कोलकाता की एक यहूदी लड़की हमजा जोसफ से शादी की थी, जो धर्म बदल कर रेहाना अहमद हो गई थी। इनकी दो बेटियां थी, सलमा और सईदा। सईदा की 7 फरवरी साल 1995 के दिन कैंसर से मौत हो गई थी। बेटी को तिल तिल मरता देख इफ्तखार को झंझोर कर रख दिया था। बेटी की मौत के बाद ये बीमार पड़ गए और अंदर ही अंदर ये इतने घुट रहे थे कि बेटी की मौत के एक महीने के अंदर ही 4 मार्च साल 1995 को इफ्तखार ने 71 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था।